गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा इतनी बड़ी पेंटिंग तुम कैसे बनाओगी? अनिका मुझे बोल रही कि मम्मी ये पेंटिंग मैं बनाऊंगी। अब हम दोनों ही आर्ट क्राफ्ट थोड़ा बहुत तो पसंद करते हैं। ये देखिए, सुबह सुबह मैं और अनिका ये लेकर बैठे थे। ये वाली पेंटिंग अनिका ने बनाई है और ये मैंने पास से, मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। सो अभी इसको इतने बड़ा कैनवास चाहिए, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। मतलब मुझे भरोसा करना चाहिए तभी वो अपनी क्रिएटिविटी को मुझे दिखा पाएगी, पर पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बात है सिर्फ 350 के बोर्ड की, चलो करने देते हैं। करके अगर वो सच्ची में कुछ अच्छा बनाना चाहती है, उसे आता है और मैं उसे ना दूँ तो अच्छा नहीं है ना। बेटा चल बना ले, खुश? ओके। और मैंने क्या क्या बनाया है वो तो मैं दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपको अनिका की पेंटिंग्स दिखाना चाहूँगी, ठीक है। और मेरा कैमरा ने मुझे फोकस नहीं किया था, फिर किया दिया। ये देखिए, ये है अनिका की पेंटिंग जो अनिका ने बनाई है। उसके हिसाब से, उसके एज के हिसाब से मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद अनिका ने ये कुछ सैम्पल्स बनाए हैं। तो ये जो बोट उसने दिखाई है ना, ये बोट वो उस बड़े वाले उस पर बनाना चाहती है ना, ठीक है, बना लो। तो ये बोट जो है अनिका बनाना चाहती है और ये अनिका ने बनाया है। अब मैंने जो बनाया है वो मैं दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बनाया है। मैंने बहुत सारे कलर्स को बैकग्राउंड में रखा है और फिर उसके ऊपर वाइट फ्लावर्स लगाए हैं और दो पेंटिंग मैंने बनाई है। ये इसके आवाज़ है इसका खोलने का, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये देख सकते हैं, ये मैंने बनाया है। इसमें बहुत सारे कलर्स इस तरह से लगाए हैं। ये आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, पर इतना आसान नहीं था। ये थोड़ा सा मतलब माइंड ज़्यादा यूज़ हो रहा था इसमें। कुछ चीज़ें लगती है कि हम कर लेंगे, पर आप जब करने जाओ ना तभी आपको समझ में आता है। तो मैंने ये ऐसे जुड़वा बनाए हैं, ठीक है। और अम्मा कुछ बोल रही है। अनिका की इस पेंटिंग को मैं थोड़ा सा फिनिशिंग दे रही हूँ। अनिका ने बनाया तो बहुत अच्छा, पर थोड़ी सी फिनिशिंग की ज़रूरत है। सो बस मैं उसे ही कंप्लीट कर रही हूँ, हो जाएगा, इतना कुछ है नहीं इसमें। और बहुत ही सुंदर सी मुझे अनिका की ये पेंटिंग लगी है, तो बस इसे कंप्लीट कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे आज अनिका स्कूल नहीं गई। अनिका ने सुबह बोला उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, और उसे देख कर भी लग रहा था कि उसे थोड़ा सा जुकाम जैसा है। बट फिर धीरे धीरे, मतलब जैसे जैसे दिन आगे गया, उसका जुकाम थोड़ा सा कम हो गया। मैंने उसे दवाई भी दे दी है। और थोड़ा सा बाहर मौसम ठंडा भी हो गया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं भेजना सही है नहीं है, इसलिए मैंने आज एक गैप दे दिया। पेंटिंग को मैंने क्विकली थोड़ा सा मतलब शेडिंग दे दिया है, तो काफ़ी बेटर लग रहा है। पहले जो बनाया था उसने अच्छा बनाया था, पर शेडिंग नहीं होने की वजह से उठ कर नहीं आ रहा था। तो अभी मेरे को जितना समझ में आया मैंने शेडिंग दे दिया है। एंड आई थिंक सो कि बहुत ही क्यूट लग रही पेंटिंग, वॉल पर लगाने पर भी बहुत अच्छी लगेगी, राइट? आप अग्री करते हैं बताइएगा मुझे कि आपको लगता है कि वॉल पर लगाने पर और अच्छी दिखेगी, जल्दी से बताओ। आई नीड योर हेल्प गाइस। तो अनिका ने देखिए बड़े वाले बोर्ड पर क्या बनाया है, आपने देखा। मुझे नहीं पता ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, पर अभी बना दिया। आप ही बताइएगा फिर से एक बार कि ये बोट वाली पेंटिंग अनिका की कैसी लग रही है। और अब मैं जा रही हूँ अपना काम ख़त्म करने, सुबह सुबह पेंटिंग के लिए बैठ गई। मज़ा तो बहुत आया, पर काम बहुत ज़्यादा पेंटिंग होते जा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ब्रेक। और मैं अभी अपना काम ख़त्म करूँगी, तब तक आप मुझे बताइएगा। मैं इस पेंटिंग को इसी तरह से रख देती हूँ, अगर आप बोलते हैं कि अच्छी लग रही है तो अच्छी लग रही है, या इसके पापा भी बोलते हैं अच्छी लग रही है तो अच्छी लग रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, मैं माँ हूँ, मुझे तो अपने बच्चे का हर एक चीज़ पसंद आएगा ही, आप बताना।
just escape for a moment. Good morning everyone. सुबह की 5:30 हो रहे हैं. आप देख ही सकते हैं जो नज़ारा है उससे. और क्या बोलते हैं कि मैं कल ब्लॉग नहीं कर पाई थोड़ा सा, यानी का मुझे फिर से डाउन लग रही थी और मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करूँ. सो मैंने सोचा कि अब मेरे से ब्लॉग नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चे की तबीयत डाउन लगती है ना, फिर आपको लगता है कि नहीं अभी और कुछ नहीं हो सकता. फिर फाइनली वो शाम तक थोड़ा सा बेटर हो गई और अभी वो ठीक है. अभी टोटली एकदम परफेक्ट है, जो कि वो स्कूल भी जा सकती है. कभी कभी हो जाता है ना बच्चों के साथ, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है. जैसे टचवुड, यानी कि बहुत कम बीमार पड़ती है टचवुड, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी मतलब है स्ट्रॉन्ग. मैं बहुत अजीब दिख रही हूँ, सुबह मैं ऐसे ही दिखती हूँ, ठीक है, अजीब ही दिखती हूँ. अभी मैं जाऊँगी अनिका के लिए टिफिन बनाऊँगी, एक शॉर्ट ब्रेक, फ्रूट ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक. और आज अनिका का 45 मिनट्स एक्स्ट्रा स्कूल है, तो मुझे शॉर्ट ब्रेक के लिए कुछ हल्का फुल्का सा टिफिन लेना है उसे, जिसके लिए उसने बोला है चीज़ ब्रेक. फ्रूट ब्रेक में उसे बनाना चाहिए विथ चॉकलेट. ओके, क्या बच्चे आजकल डिमांड करते हैं. और लॉन्ग ब्रेक के लिए उसको चाहिए पूरी भाजी एंड कितनी भी टेस्टी यम्मी वाली जो रेसिपीज़ होती है ना ऑनलाइन या जहाँ पर भी टिफ़िन वाली, वो मैं कभी अनिका को दे नहीं पाती, क्योंकि अनिका लव्स ऐसा वाला खाना, पूरी भाजी एंड ऑल. तो मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट होता है कि वो जो पसंद करे मैं उसे वही दूँ, राइट. और एक्स्ट्रा मैं कुछ मैं एक्स्ट्रा दे दूँगी. और एक उसे मिल्क शेक चाहिए चॉकलेट वाला. तो इतनी सारी चीज़ें हैं, चलिए किचन. तो सब सामान मैंने फ्रिज से निकाल दिया है, जो चीज़ें मुझे बनानी है क्विकली मैं चालू करती हूँ. और आप देख सकते हैं बिल्कुल पीछे कितना अच्छा नज़ारा हुआ है. और बस ऐसे चल रहा है सब कुछ. आपका भी ऐसे ही मॉर्निंग में चलता होगा. सो मुझे आपकी मॉर्निंग स्टोरी नीचे बताइएगा, ठीक है. तो जो पूरी भाजी मैं बना रही हूँ वो थोड़ा ज़्यादा ही बनाऊंगी, जिससे अम्मा और पूजा भी नाश्ते में पूरी भाजी खा सके. क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं तो ओट्स ले रही हूँ और रात जो है मूसली ले रहे हैं. तो इस वजह से मैंने सोचा कि पूरी भाजी जो है सबके लिए हो जाएगी, चाहे अनिता के लिए, अम्मा के लिए और पूजा के लिए.
अपडेट कर दूं, जॉन काफी आप इस समय देख सकते हैं ऑलमोस्ट 6:15 बज रहे हैं। मेरा आधा बन चुका है, आधा बन रहा है। सिटी की आवाज आ रही है, इसमें आलू पूरी आलू की आलू पूरी, हाँ मैं रेसिपी का नाम भूल गया एक्चुअली, तो आलू की सब्जी इसमें रस्से वाली बन रही है। तेल गर्म हो चुका है, तवा गर्म हो चुका है, जहाँ पर मैंने ये चीज़ और ब्रेड लगाए इसे हल्का तो मैं गर्म कर लूँगी, सो वो चीज़ अंदर मेल्ट हो जाता है तो निकल के वो वाला अच्छा लगता है। अभी पूरी बनाने जा रही हूँ तो बस वही चल रहा है। और ये क्या है पता है? चाय। नहीं, ये देखिए यहाँ से आर पार आप देख सकते हैं, ये चाय नहीं है। सो ये है हॉट वाटर। सुबह मैं हॉट वाटर पीती हूँ इतना ग्लास भर के, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर हेल्थ। और मैं आपको बता दूँ अभी मत, तो हॉट वाटर मैं इसलिए पीती हूँ, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। और मैं आपको बता दूँ, ये जब मैं मंडे टू फ्राइडे यानी का स्कूल जाती तभी पीती हूँ, सैटरडे मैं भूल जाती हूँ, सैटरडे संडे मैं ये सब नहीं पीती हूँ। बट मंडे टू फ्राइडे खाना बनते रहता है और मैं अपना हॉट वाटर एंजॉय करती रहती हूँ। किचन थोड़ा मैसी हो गया है इतनी सारी चीज़ें बनाने में, सो बैन मत करिएगा, है ना, ऐसे ही होता है खाना बनाते हमें। बता दूँ कि अनिका के ब्रेकफास्ट के लिए मैंने रोटी और दूध रहता है, अनिका को मैं ब्रेकफास्ट में रोटी दूध देती हूँ क्योंकि वो खा भी लेती है, और बाकी चीज़ें जैसे पराठा वगैरह दे दो तो पीती नहीं है, दूध दे दो तो उसे उल्टी जैसा होता है। सो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है रोटी दूध, और वो उसके ब्रेकफास्ट में। तो मेरी टिफिन फुल रेडी है, अभी मैं पैक करूँगी। और आज उसका 45 मिनट्स एक्स्ट्रा है तो उसके लिए आई थिंक मैं बिस्किट्स दूंगी, क्योंकि द होल डे फूड कितना दे सकते हैं, बच्चा भी खाकर परेशान हो जाएगा। पूरी भाजी है और चीज ब्रेड है, चॉकलेट मिल्कशेक है, मिल्कशेक चॉकलेट का वो ये वाला लेकर जाती है, मैं बना कर नहीं देती हूँ क्योंकि पता नहीं इतने देर तक ख़राब ना हो जाए, राइट, वो कब पीने वाली है वो उसके मूड पर रहता है। सो ये वाला चॉकलेट मिल्कशेक मैं दे देती हूँ तो उसे पसंद भी है, वो पी भी लेती है। और ये उसने नया पैटर्न चालू किया है, पता नहीं इनके स्कूल में कुछ जो मतलब क्लास में जो बच्चे हैं उन्होंने कुछ ऐसा प्लान किया कि हम जूस लेकर आएंगे या मिल्कशेक लेकर आएंगे और सब लेकर आएंगे। सो तब से अनिका ने ये चालू किया, नहीं तो अनिका पहले ये सब नहीं लेकर जाती थी। ड्राई फ्रूट्स में दूंगी थोड़े से, जो 45 मिनट का जो ब्रेक होता होगा उसमें ड्राई फ्रूट्स दूंगी और एक बनाना। जो समय हो रहा है अभी, जो समय हो रहा है वो है 6:36, मतलब 6:36, आधा हिंदी आधा ये देखिए दिख रहा है आपको, सो नहीं दिख रहा, ठीक है। सो आधा मतलब आधा नहीं, पूरा मेरा जो भी रूटीन है वो कंप्लीट हो गया है। ये है रात की चाय ट्रे में और दूध रोटी अनिका के लिए और पानी, तो जैसे ही उसे मैं पहले ब्रश करवा दूँगी तो टैक्सी खिला देती हूँ, क्योंकि अनिका का है ना वो थोड़ा सा भी लेट हो जाता है, मतलब ब्रश करने के बाद थोड़ा भी मतलब मैंने
5 10 मिनट भी खींच दिया ना फिर वो थोड़ा सा खुद को इग्नोर करने लगती है, ये उसकी बचपन से आता था, इसलिए जैसे वो उठती है उसको हटा से ब्रश करती हूँ और खिलाती हूँ। बचपन से ये मैं फॉलो कर रही हूँ, आज वो 7 साल की हो गई फिर भी मैं यही कर रही हूँ कि जैसे उठती है फटाक से खिला दी, कि वो चीज़ मुझे पता है कि वो खाती नहीं है बाद में। चलिए मैं चाय दे कर आती हूँ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी और उसके बाद मैं टिफिन वगैरह पैक करूँगी। तो बर्तन वाली दीदी जो है सुबह सुबह पौने 7 बजे आ जाती है, ये उनका एक है नीति नियम से आ जाती है टिफिन पैक। मुझे पता आप सब बोलेंगे मुझे कि अनिका को स्टील का टिफिन दो, अनिका स्टील के टिफिन नहीं पसंद करती क्योंकि वो बहुत बोरिंग होते हैं दिखने में, बच्चे हैं नहीं पसंद करती है। मैं उसे जो देती हूँ टिफिन ये PPA फ्री होता है, तो इतनी ज़्यादा मतलब मुझे बहुत टेंशन नहीं आता। बाकी अभी बच्चा जो पसंद करता है वो नहीं देंगे तो और फिर वो परेशान कर देगा। राइट, ये है बिस्किट उसके लिए, कैशू, पूरी भाजी, चीज ब्रेड, बनाना। अंदर आपने देखा मैंने एक टेबल मैट और 3 हैंकी भी डाली है क्योंकि हर एक ब्रेक के लिए एक हैंकी और टेबल मैट जहाँ पर अनिका पर रख कर अपना टिफिन खाती है। तो पैक हो चुका है, अभी अनिका को उठाऊंगी। Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. अनिका हो चुकी है तैयार स्कूल जाने के लिए और मेरा भी सारा रूटीन हो चुका है। अनिका ने बैग तो अपना रात में ही पैक कर लिया था, पूजा भी आ चुकी है, बज रहे 7:30, तो 5:30 से 7:30 मतलब ये 2 घंटे मेरे इस तरह से जाते हैं। काफ़ी मतलब हेक्टिक होता है इस समय पर, मैं मोबाइल भी हाथ नहीं लेती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं रहता और सुबह सुबह मोबाइल को हाथ लगाना और फिर वो चेक करना मुझे पसंद नहीं है। जब अनिका को मैं छोड़ कर घर पर आ जाती हूँ उसके बाद मैं मोबाइल को पकड़ती हूँ। बस अभी जा रही हूँ अनिका को छोड़ कर आऊँगी। हल्की बारिश हो रही है तो कार से जाना पड़ेगा और क्या होता है स्कूल के सामने लग जाता है जाम क्योंकि सब लोग कार से आते हैं तो फिर बहुत टाइम लग जाता है सबको मतलब छोड़ने में, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम अभी बारिश में थोड़ा ज़्यादा होने लगता है। तो ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और आपका मॉर्निंग रूटीन भी मेरे साथ शेयर करिएगा कि आप कितने बजे उठते हो, क्या बनाते हो अपने बच्चे के टिफिन के लिए, वो क्या पसंद करता है एंड ऑल, सब कुछ मुझे जानना है, ठीक है बताना। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। Stay this high.